हाउस ऑफ पूर्णा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग, जो पंजाब स्टाइल से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से, जिसे देखने के बाद आप जरूर इस रेसिपी से साग को बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्जियां अपने गार्डन की हों तो उनकी फ्रेग्रेंस और फ्रेशनेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। पंजाब स्टाइल सरसों का साग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो सरसों, आधा किलो पालक, 250 ग्राम मेथी और 250 ग्राम बथुआ। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करके रफली चॉप कर लेंगे। इस पूरे साग को एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसके साथ ही हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसको 4-5 विसल आने तक स्टीम करेंगे। देखिए, अब ये हमारा साग बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब ये हमारा क्रश किया हुआ साग तैयार हो गया है। इसको हम जितना जरूरत होगा उतना तड़का लगा लेंगे, बाकी हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं करीब 15 दिन तक। तड़का बनाने के लिए हम एक पैन में देसी घी डालेंगे, उसमें जीरा डालकर कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको भी भून लेंगे। अब हम इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे और पूरे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि साग में हमने अभी तक नमक नहीं डाला था, इससे साग हमारा ग्रीन बनता है। अब हम इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें हम साग को मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले के साथ साथ साग को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारा साग भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और ऊपर से देसी घी में 2 सूखी मिर्च डालकर इसको तड़का लगा देंगे। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट साग बनकर तैयार हो गया है।